गुड इवनिंग अगेन टू एवरी वन एंड वेलकम टू टू डे क्लास हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बाद में कोई ज्वाइन करता है तो फिर ठीक है तो ये एक्चुअली अभी क्या हुआ एग्जाम भी खत्म हो गया प्रीलिम्स और इसीलिए लोगों का थोड़ा एनर्जी फिर से डाउन हो गया कोई बात नहीं फिर एग्जाम आने से एनर्जी आ जाएगा लेकिन आप लोग कंटिन्यू कीजिए क्लास ठीक है एग्जाम हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ये देखो फर्स्ट हम लोग डाटा सफिशियंसी का जो आपका जो प्रिलिम्स पैटर्न सॉरी क्लर्क पैटर्न है वो देखेंगे ये जो क्वेश्चन है ये एस क्लर्क में लास्ट टू थाउजेंड का पेपर में आया हुआ था ये डेटा सफिशियंसी तो पहले इसको सॉल्व करेंगे इजी वाला सॉल्व करेंगे देन स्लोली विल मूव टू हायर लेवल ठीक है तो इसमें क्या है देखो जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें दो स्टेटमेंट रहता है हमेशा इट विल बी हैविंग टू स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू जैसे कि यह क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है दो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू ठीक है आपको क्या बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट के हेल्प से हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं ठीक है यू हैव टू डिटरमाइन विच स्टेटमेंट इज आर सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन एंड मार्क आंसर अकॉर्डिंगली अगर सिर्फ ओनली स्टेटमेंट टू से आंसर आ जाता है your answer will be option A. अगर आपका आंसर वन और टू से आता है मतलब दोनों में से कोई से भी आ जाएगा अगर आर वन से भी आ रहा है टू से भी आ रहा है देन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी अगर दोनों से ही आना दोनों को मिला के आ रहा है दोनों स्टेटमेंट को मिला के अगर आंसर आता है देन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी अगर सिर्फ वन से आ जाता है देन डी और अगर uh, अच्छा यहाँ पे था अगर दोनों मिला के भी आंसर नहीं आता है देन इट इज सी एंड अदर लास्ट इज इजी ठीक है ये सब हम लोग बाद में देखेंगे फर्स्ट विल ट्राई टू सी द क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन ट्रेन का स्पीड पूछा है दो कंडीशन दिया हुआ है फर्स्ट इज ट्रेन कैन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन थर्टी सेकेंड्स वाइलेट्री इन ट्वेल्व सेकंड ये गिवन है और एक गिवन है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज फिफ्टी परसेंट मोर देन दैट ऑफ ट्रेन तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके हेल्प कर देता हूँ सेकेंड थिंग आप लोग खुद ट्राई करना सो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन इज वट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन मतलब स्पीड निकाल रहा है ठीक है तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट में क्या बोला है देखिए ट्रेन कैन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म इन थर्टी सेकेंड्स प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है थर्टी सेकेंड्स वाइल ए ट्री इन ट्वेल्व सेकेंड्स मिनिट गुड इवनिंग सो देखो स्पीड कैसे निकलेगा फर्स्ट क्या हुआ है ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है थर्टी सेकेंड्स में और एक ट्री को क्रॉस करता है ट्वेल्व सेकेंड्स में तो ट्री को जब ट्रेन क्रॉस करेगा देन स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम तो डिस्टेंस इज लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम ये होगा ट्रेन का स्पीड ठीक है और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है थर्टी सेकेंड्स में मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस यहाँ पे लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाई हाउ मेनी सेकेंड्स थर्टी सेकेंड्स तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला जो कंडीशन है उससे सिर्फ यही दो चीज निकल के आएगा ठीक है फर्स्ट वाला जो गिवन है ना उसमें सिर्फ यही चीज निकल के आएगा कि ट्रेन कैन क्रॉस ए ट्री इन ट्वेल्व ट्री को क्रॉस करेगा तो अपना लेंथ ही क्रॉस करेगा सेम एज पोल याद है ना आप लोगों को ट्री क्रॉस करना मतलब पोल क्रॉस करना ठीक है तो अपना लेंथ ही क्रॉस करेगा तो स्पीड इज इक्वल टू लेंथ डिस्टेंस बाई टाइम टेकेंड ठीक है और सेकेंड वाला में बोला इट कैन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म तो प्लेटफॉर्म जब क्रॉस करेगा वो अपना ये, ये लेंथ तो, तो चलो नेक्स्ट इज ये फर्स्ट स्टेटमेंट से तो इस ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट की हेल्प से वी नॉट फाइंड आउट द स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे निकाल सकते हैं क्या स्पीड बोलो तो नहीं निकाल सकते ना फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है उससे स्पीड निकलेगा क्या नहीं निकलेगा ना ठीक है ओके नेक्स्ट चीज क्या बोला लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दैट इज पी इज 50 परसेंट मोर देन ट्रेन 50 परसेंट मोर मतलब थ्री बाई टू ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन एल ठीक है तो मतलब पी इज इक्वल टू थ्री बाय टू एल और अकेले सेकेंड से तो कुछ नहीं निकलेगा ना ओनली सेकंड से कुछ निकलेगा क्या देखो तो सिर्फ आप सेकेंड को कंसिडर करो यू कंसिडर ओनली द सेकेंड स्टेटमेंट यहां से कुछ भी नहीं निकलेगा हमको क्या चाहिए स्पीड ऑफ ट्रेन ठीक है तो नहीं निकलेगा तो अभी हम लोग देखो दोनों को कंबाइन करने से निकल निकलेगा क्या जैसे यहां पे पी बायल मिला थ्री बाई टू तो आप स्पीड को क्या लिख सकते हैं एल के जगह में मैं टू एक्स लिख सकता हूँ बाई ट मतलब एक्स बाई इस ये वाला जो स्पीड है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एल प्लस पी मीन्स फाइव एक्स डिवाइडेड बाई थर्टी मीन्स इट इज अच्छा ये सेम ही आएगा सेम ही आएगा ना एक्स बाई ही आएगा फाइव एक्स बाई थर्टी भी तो एक्स बाई आएगा ठीक है इन दोनों स्टेटमेंट से स्पीड निकल सकता है क्या कैन वी फाइंड आउट द स्पीड ये दोनों स्टेटमेंट का हेल्प से भी आप लोग खुद सोच के देखो तो निकल सकता है क्या दो स्टेटमेंट गिवेन है उसके हेल्प से फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये है आई एम एक्सप्लेनिंग यू अगेन देन यू यूज योर ओन ब्रेन ठीक है देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट में क्या है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम तो ट्री को क्रॉस कर रहा है ट्वेल्व सेकेंड्स में तो थ्री को क्रॉस करेगा तो लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व ठीक है और सेकेंड केस में एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पी प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाई थर्टी थर्टी सेकंड में ठीक है तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला लेंथ ऑफ बोलाटफॉर्म इज थ्री फिफ्टी परसेंट मोर देन ट्रेन मतलब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पी इस 50% more than train मतलब तो तो p is equal to 3 by 12, तो p और L का रेशियो आ गया ठीक है उससे भी कुछ नहीं निकलेगा आपको कोई भी एक लेंथ उसको देना चाहिए था अगर यहाँ पे स्टेटमेंट में प्लेटफॉर्म का लेंथ दे देता ना अगर प्लेटफॉर्म का लेंथ आपको मिल जाता तब आप आंसर निकाल सकते थे लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट के हेल्प से भी हम लोग आंसर नहीं निकाल सकते इसीलिए इसका आंसर होगा

दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग से देखना है कंबाइन करके देखना है अगर आंसर निकल रहा है तो निकल जाएगा और नहीं निकल रहा है तो नहीं निकलेगा टेल मी इज इट क्लियर और आई शुड रिपीट रिपीट करना है तो बोल दो और नहीं तो अगर क्लियर समझ में आ गया तो टेल मी समझ भी नहीं आया क्या बस आपको ये चेक करना है कि दोनों स्टेटमेंट से आंसर निकल रहे कि नहीं आपका स्पीड अगर निकल जाता ना तब हो जाता तब हो जाता कि मतलब इससे निकल रहा है या टू से निकल रहा है यहाँ पे आप दोनों को कंबाइन भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ नहीं निकलेगा आप देखो ये p बाई एल लिख लिया मैंने अगर p बाई एल का रेशियो थ्री बाई टू है p को अगर थ्री एक्स माना l को टू एक्स मान लिया तभी भी आपको कुछ नहीं निकलेगा स्पीड यहाँ से भी x बाई सिक्स आएगा यहाँ से भी x बाई सिक्स ही आएगा तो उससे आगे कहाँ बढ़ सकते हैं ना कुछ नहीं निकल सकते ठीक है सो यू वट यू डू यू ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट यू ट्राई टू सॉल्व ये सारा प्रीलिम्स का मेंस का क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए तो वट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर मिल्क का क्वांटिटी निकलना चाहिए अगर निकलेगा तो बोलो और नहीं निकलेगा तो बोलो ट्राई करो रिक्वायर्ड ओके okay. मतलब दोनों से आंसर आ जाएगा तो क्वांटिटी तो ऑफ कितना आया निकाला गया नहीं निकाला तो भी चलेगा देखो फर्स्टली बोला है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क मतलब मिल्क का क्वांटिटी चाहिए आपको क्वांटिटी एग्जेक्ट मिल्क फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इफ आई गो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट उट सपोज मिल्क और वाटर था टेन लीटर अगर मिक्सचर निकाल देते हैं देन वाटर बिकम्स थर्टी फाइव परसेंट ऑफ टोटल क्वान्टिटी ऑफ रिमेनिंग मिक्सचर ठीक है तो अगर टेन लीटर मिक्सचर निकाल देते हैं तो वाटर कितना रहेगा थर्टी फाइव परसेंट ठीक है वाटर थर्टी फाइव रहेगा तो पानी कितना रहेगा पानी रहेगा सिक्सटी फाइव पानी रहेगा सिक्सटी फाइव ठीक है तो ये रेशियो आएगा ना सिक्सटी फाइव इज टू थर्टी फाइव ये रेशियो आएगा ठीक है तो ये रेशियो को आप थोड़ा सा वो कर दो मतलब छोटा कर दो तो रेशियो आएगा थर्टीन इज टू सेवन मतलब क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर टेन लीटर मिक्सचर निकाल देने के बाद टेन लीटर मिक्सचर निकाल देने के बाद रेशियो ये है तो टेन लीटर आपने निकाल दिया तो क्या फर्क पड़ता है रेशियो तो सेम रहना चाहिए मतलब पहले भी रेशियो यही था फर्स्ट स्टेटमेंट से हमको सिर्फ इतना था और फाइनल रेशियो कितना था और अगर आपने कुछ मिक्सचर निकाला है तो रेशियो चेंज नहीं होता है, रहता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है अभी देखते हैं सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है इफ थर्टी लीटर वाटर इज एडेड टू द इनिशियल मिक्सचर अगर हम लोग इनिशियल मिक्सचर में थर्टी लीटर वाटर एड कर देते हैं ना थर्टी लीटर वाटर एड कर देते हैं क्वांटिटी ऑफ ऑफ द मिल्क बिकम्स इक्वल टू दैट वाटर मतलब रेशियो हो जाएगा अगर हमने थर्टी लीटर वाटर एड कर दिया ठीक है अगर हमने थर्टी लीटर वाटर एड कर दिया तो इक्वल हो जाएगा ये जो सोल्यूशन था ये फर्स्ट वाला सिचुएशन यहां से सिर्फ हमको रेशियो मिल, मिलने का था और कुछ नहीं था और कुछ नहीं कर सकते ठीक है बट अगर हम लोग इन दोनों को कंबाइन करते और सेकेंड वाला से भी कुछ नहीं होगा वाला से सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि अगर आप थर्टी लीटर वाटर एड करते हैं तो रेशियो क्या बनेगा ठीक है? ठीक है है ना इतना यही बात है लेकिन यहाँ पे क्या क्या बोला है इन दोनों को कंबाइन करके देखो कंबाइन करके देखो तो क्या होता है कंबाइन करने से मुझे ये पता चल जाएगा कि इनिशियली मिल्क और वाटर का जो रेशियो था वो थर्टीन इज टू सेवन था ठीक है और यहां पे क्या हुआ है अगर मैं थर्टी लीटर वाटर एड कर इफ आई एड थर्टी लीटर वाटर यहाँ पे अगर मैं प्लस थर्टी लीटर वाटर एड कर दू तो रेशियो बोल रहा है वन इज टू वन हो जाएगा रेशियो वन इज टू वन होगा वन इज टू वन मतलब क्या थर्टीन इज टू थर्टीन ना वन इज टू वन मतलब थर्टीन इज टू थर्टीन मैंने क्यों थर्टीन किया क्योंकि मिल्क तो ऐड नहीं किया ना वाटर ही ऐड किया ठीक है तो ये बात है तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि दोनों रेशियो को मैंने कनेक्ट कर दिया कि यहाँ पे भी मिल्क थर्टीन है यहाँ पे भी थर्टीन है तो ये जो एक्स्ट्रा एड हुआ है दिस 7 से 13 जाने में जो यूनिट यूनिट हुआ है इस 6 है इस तो का वैल्यू थर्टी लीटर तो उससे एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा पांच लीटर आपको क्या निकालना है आपको निकालना है क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर तो मिल्क का क्वांटिटी थर्टीन यूनिट्स थर्टीन यूनिट्स का वैल्यू निकाल दो सिक्सटी फाइव लीटर तो इन दोनों का हेल्प लेना पड़ेगा तब आपका आंसर आ जाएगा वेरी वेरी नाइस विश्वजीत एंड प्रियाक्षी दोनों स्टेटमेंट चाहिए बोथ द स्टेटमेंट आर नेसेसरी टू तो फाइंड द आंसर तो अभी इसका आंसर होगा बोथ द दुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर तो दिस इज योर आंसर मींस ऑप्शन ई विल बी योर आंसर वेरी नाइस आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ गया ना डिड यू अंडरस्टैंड दिस मतलब ये क्या बोलते हैं इसको ये टाइप समझ में आ गया ना कैसे करना है यस yes, दोनों एक एक स्टेटमेंट लेना और एक दूसरा स्टेटमेंट लेना फिर दोनों को कंबाइन भी करना है और अगर सिंगल से ही आ जाता है तब तो बहुत बढ़िया है लेकिन अगर दोनों को कंबाइन करके आता है कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा ठीक है थीके? ये प्रॉब्लम ये अच्छा मतलब ये मुझे तो सबसे अच्छा लगता है ये डेटा सफिशियंसी इसका हाई लेवल का प्रॉब्लम भी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये इनिशियली जो मैंने क्वेश्चंस लाया था ये सारा ये सारा हाई लेवल है थोड़ा ऊपर का मतलब मतलब पता नहीं अभी मुझे तो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है लेकिन देख के तो ऐसा ही लगता है अभी इजी भी हो सकता है पता नहीं ठीक है तो बट अभी हम लोग क्लर्कल लेवल में ही करेंगे जैसे ये क्वेश्चन किया ये ये हो गया अभी आप लोग ये क्वेश्चन कर इसमें किसी को डाउट है तो बोलो एनी वन हैविंग एनी डाउट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब इन दिस क्वेश्चन डाउट तो नहीं है ये ये वाला क्वेश्चन करो तो ये वाला आप लोग ये वाला क्वेश्चन करो मैं विल कम बैक इन टू मिनट्स क्या हुआ क्वेश्चन आंसर हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन द बैग बैग कंटेन्स ओनली थ्री टाइप्स ऑफ कलर्ड बॉल मतलब तीन कलर ही है तो ब्लू और रेड का रेशियो दिया हुआ है और नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू रेड बॉल्स फ्रॉम द बैग इज टेन आ जाएगा नहीं ये सब देख के समझ में आ रहे देखो कैसे आएगा सोचो तो आ जाएगा आंसर तो आ जाएगा कौन सा स्टेटमेंट से आएगा वो देख लो आप लोग ओके okay. आप लोग मुझे एक चीज बताओ आप लोगों ने किसी ने रिप्लाई दिया नहीं दिया ना शायद आप लोग मुझे पहले एक चीज बताओ ये जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट को छोड़ो इससे कुछ नहीं होगा सेकंड स्टेटमेंट को देखो तो सेकंड वाला एक सेकेंड देखो अगर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू रेड बॉल्स इज टेन इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं हाउ टू राइट दिस इक्वेशन हाउ टूट राइट द इक्वेशन फॉर द सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखना है सेकेंड स्टेटमेंट में नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू रेड बॉल्स फ्रॉम द बैग इज टेन कैसे लिखेंगे इसको हमने कॉम्बिनेशन किया है ना आप लोग बताओ आंसर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू रेड बॉल्स इज टेन इसको कैसे लिखना है tell me how to write this number of ways of selecting two red balls from the bag is 10 matlab matlab nc2 is equal to 10 na? nc2 is equal to 10 aapko do ball select karna hai n balls me se theek hai wahi to hai na number of ways of selecting two red balls matlab nc2 is equal to 10 नाउ यू टेल मी एन इसमें क्या है इज इट द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स टोटल बॉल्स है या फिर नंबर ऑफ रेड बॉल्स है ये बताओ टेल मी दिस जल्दी बताओ यार आप लोग ये क्या है एन क्या है टोटल बॉल्स है या फिर नंबर ऑफ रेड बॉल्स है रेड बॉल्स वेरी गुड वेरी गुड ये नंबर ऑफ रेड बॉल्स है टोटल बॉल्स नहीं यहाँ पे गड़बड़ मत करना ये एन जो है ना ये नंबर ऑफ रेड बॉल्स है क्योंकि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग सिलेक्टिंग टू रेड बॉल्स मतलब आप रेड बॉल से ही सिलेक्ट करेंगे ना है ना आप रेड बॉल से ही तो सिलेक्ट करेंगे जैसे ये सपोज सपोज रेड बॉल तीन है तो ये तीन में से ही आप आप दो सिलेक्ट करेंगे ना ये बोल रहे हैं ठीक है तो एन सी टू एन हो गया यहां पे नंबर ऑफ रेड बॉल्स तो एन सी टू अगर टेन है इसको इसको ब्रेक करो एनसी टू मतलब एन को दो बार दो बार गिराना है एन को दो बार मतलब एन एन माइनस वन ये देखो एन सी टू मतलब एन को दो बार दो बार ब्रेक करना है तो एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू टेन Is equal to 10. तो यहां से क्या आ जाएगा से का calculate नहीं करके बोल सकते है बता, बत, आप बता सकते हैं हैं ना बता आप लोग क्या आएगा एन का वैल्यू विदाउट कैलकुलेट मत करो यार ये तो इजी है मतलब क्वाड्रेटिक नहीं बना के बोल सकते कौन सा दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा ट्वेंटी और वो एन एन माइनस वन वेराइटी में होना चाहिए टाइप में फाइव और फोर ठीक है कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है अगर एन फाइव होगा तो एन माइनस वन फोर होगा और 5 into 4 ही 20 होता है ना. इसका मतलब एन का वैल्यू फाइव है यहां से मुझे मिल गया एन का वैल्यू ठीक है मतलब एन फाइव मतलब रेड बॉल्स रेड बॉल्स यहां से मिल गया फर्स्ट वाला सेंटेंस में क्या गिवन है रेशियो ऑफ ब्लू बॉल्स एंड रेड बॉल्स तो अगर दोनों को कंबाइन कर दूं तो मुझे ब्लू बॉल्स भी मिल जाएगा ना रेशियो क्या है फोर इज टू फाइव तो रेड तो पांच है तो ब्लू चार होगा नंबर ऑफ व्हाइट कलर्ड बॉल इज वन मोर देन रेड तो व्हाइट कितना होगा रेड से एक ज्यादा छ तो दोनों को कंबाइन करके मैं बोल सकता हूँ ना हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन द बैग इज इट क्लियर बताइए समझ में आ गया ना सिंगल सिंगल से नहीं बोल सकते लेकिन दोनों से तो बोल सकते है ना ठीक है ये ये वाला जो पैटर्न है ना ये डेटा सफ़िशिएंसी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम प्रोबेबिलिटी ओनली ये प्रोबेबिलिटी नहीं था मतलब तो जो भी है ये कॉम्बिनेशन था ये इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉम्बिनेशन को क्लियर कर लो आप लोग ठीक है कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी जो भी है ओके okay. सबको समझ में आ गया ना कुकिल प्रियाक्षी एंड अभिषेक सभी आई हो समझ में नहीं आया तो एक बार बोल दो हाई गुरु सिंपल है देखो सेकेंड वाला से एन आ गया और फर्स्ट वाला के साथ अगर कंबाइन कर देंगे तो तीनों आ जाएगा तो वही तो पूछा है आपको कितना बॉल्स था ये बोला देखो ये इसका आंसर आप लोग खुद नहीं दे वन इज सफिशिएंट और टू पूरा तो देखो पूरा क्वेश्चन देख लो मतलब ओनली वन या फिर आइदर वन और टू वो बताना है वन सफिशिएंट है वो मैं भी समझ गया टू वाला देखो तो फाइनल आंसर एनीवन फाइनल आंसर क्या होगा टू इज नॉट सफिशियंट ओनली वन इज सर टू में टू से कोई मतलब ही नहीं है टू में तो सी के बारे में कुछ बोला ही नहीं ठीक है <coughs> देखो पाइप ए एंड बी टुगेदर टेक फोर आवर हाउ वन इज सफिशियंट ठीक है देखो फर्स्ट वन वाला स्टेटमेंट देखो पाइप ए एंड बी ए एंड बी को कितना टाइम लगता है फोर आवर्स और ए बी और सी को कितना कितना टाइम लगता है थ्री आवर्स ठीक है एलसीएम लेंगे ट्वेल्व वर्क एफिशिएंसी आ जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा थ्री दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी फिर ट्वेल्व बाई थ्री आ जाएगा फोर ये आ जाएगा तीनों का ए प्लस बी प्लस सी इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो सी का एफिशिएंसी वन आ जाएगा

तो वन और टू को कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना ही नहीं है क्योंकि वन से आ ही जा रहा है ना तो आप क्यों कंबाइन करोगे बेकार में ठीक है तो आपको देखना सेकेंड वाला से आ रहा है क्या सेकेंड वाला में सी का कहीं बात ही नहीं है तो सेकंड वाला से ऑब्वियसली नहीं आएगा ना सेकंड वाला में सी का कोई बात ही नहीं है सी है ही नहीं तो हम आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है सी के बारे में ही पूछा है तो ओनली वन से आएगा ठीक है वेरी गुड आप लोगों को आई थिंक अभी पैटर्न थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया ठीक है इसका आंसर होगा क्या ओनली स्टेटमेंट वन इज सफिशियंट दिस ऑप्शन डी ऑप्शन डी होगा इसका आंसर ठीक है चलो बढ़िया चलो लास्ट क्वेश्चन है ये वाला भी कर लो ये वाला कर लो मन का है लेकिन आई थिंक इजी है क्या देखो तो वक्वा जस्ट वन मिनट हमें एक बार क्वेश्चन को रीचेक कर लेता हूं जस्ट मिनट देखो ये वाला आप लोग छोड़ दो ये मैं सॉल्व करता हूँ देखो एक ये इसको स्क्वायर मान लो ठीक है ये स्क्वायर है सपोज जस्ट इमेजिन ये स्क्वायर है ये सपोज सेंटर है ये क्वेश्चन में बोला एरिया ऑफ सर्कल सर्कम स्क्राइबिंग द स्क्वायर सर्कम स्क्राइब करना मतलब चारो, चारो ये स्क्वायर का जो चारों टू एलो सफिशियंट ओके चारों का जो वो है ना जो चारों का जो वर्टेक्स है उसको टच करके एक सर्कल बनाया दिस इज द मीनिंग ऑफ सर्कम स्क्राइब लेंथ ऑफ ऑफ स्क्वायर ये जो डायनल है स्क्वायर का ये वाला ये वाला जो डायगनल है वो डायमीटर है ये तो ऑब्वियसली हो गई सरकम अगर कर रहा है तो ये जो डायगनल है वो तो डायमीटर हो गई ठीक है तो सपोज इसका हर एक साइड डी है ये डी है ये डी है, है। स्क्वायर है ना तो एवरी साइड विल बी इक्वल और सपोज ये वाला ए है ठीक है ए है सपोज ये ये जो है डायग्नल ए है करेक्ट ओके okay. तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकलना है वैल्यू वैल्यू चाहिए वैल्यू एरिया ऑफ स्क्वायर फर्स्ट वाला से एरिया निकल पाएगा क्या देखो तो फर्स्ट वाला से कैसे निकलेगा एरिया कुछ नहीं निकल सकता एक भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है फर्स्ट वाला में करेक्ट फर्स्ट वाला में कुछ वैल्यू ही नहीं है ना कोई वैल्यू नहीं है तो आप कहां से निकलोगे सेकेंड वाला देखो तो एरिया ऑफ सर्कल इज वन ओके एरिया ऑफ सर्कल गिवन है इसका मतलब पाई आर का वैल्यू गिवन है 154 पाई पाई को आप 22 7 ले लो ये हो गया 110 और 44 7 तो यहां से रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर सॉरी 7 मीटर रेडियस आ जाएगा ये वाला सेकंड स्टेटमेंट तो रेडियस अगर आ जाएगा तो सर्कम अगर कर रहा है तो ये रेडियस होगा तो ये डायमीटर होगा है ना ये जो रेडियस अगर सेवन है तो डायमीटर क्या होगा फोर्टीन होगा इसका मतलब ये जो डायग्नल का लेंथ है ये लेंथ ये डायग्नल फोर्टीन मीटर का होगा ये डायग्नल अगर मिल जाता है आपको तो आप पाइथागोरस थियोरम लगा के ये कोई भी साइड निकाल लोगे करेक्ट ये वाला ट्राइंगल देखो ये वाला ये ए बी सी ये वाला ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ए बी सी आंसर आंसर निकालने का जरूरत नहीं है आंसर आएगा कि नहीं वो चेक करना है अगर आप एबीसी के अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ये दोनों साइड इक्वली है तो आपको कोई भी साइड मिल जाएगा ना और साइड मिल गया तो आपको एरिया मिल जाएगा स्क्वायर का मतलब ओनली टू एलोन इज सफिशियंट वेरी गुड ठीक है टू एलोन इज सफिशियंट वन से कुछ नहीं होगा और टू से अकेले से हो जाएगा इज इट क्लियर प्रियाक्षी विश्वजीत एंड अभिषेक समझ में आया ना फर्स्ट वाला में तो कुछ वैल्यू नहीं है उससे तो कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग और सेकंड वाला में जो एरिया है एरिया गिवन है सर्कल का तो सर्कल का एरिया से हम रेडियस निकाल लेंगे और रेडियस निकालने के बाद डायमीटर निकाल लेंगे डायमीटर जो होगा इसका सर्कल uh, का वही इस इस स्क्वायर का डायगोनल uh, होगा तो स्क्वायर में ये हर एक एंगल 90 डिग्री भी होता है तो ये वाला एबीसी में पाइथागोरस लगा के ये वैल्यू निकल जाएगा साइड का तो बस साइड का वैल्यू जैसे निकल गया देन यू कैन इजीली फाइंड है मैं आपको एरिया भी निकल के दे देता हूँ देखो पाइथागोरस लगाएंगे तो फोर्टीन uh, आएगा आई मीन फोर्टीन स्क्वायर होगा आपका कितना फोर्टीन स्क्वायर कितना होता है 196 ये होगा 2d स्क्वायर तो d स्क्वायर आ जाएगा कितना 98 तो d आ जाएगा रूट ओवर नाइनटी ठीक है और d निकालने का जरूरत ही नहीं है d स्क्वायर मिल गया 98 तो d तो स्क्वायर का साइड होता है तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एरिया ऑफ ए स्क्वायर d स्क्वायर होता है तो d स्क्वायर 98 है तो एरिया मिल जाएगा तो मतलब सेकेंड वाला से ओनली टू इज सफिशियंट टू आंसर योर क्वेश्चन ठीक है चलो आप लोग अभी मैं मैंने आपको कराया नहीं है तो नो प्रॉब्लम ठीक है और मैंसुरेशन अभी और करना भी नहीं है देखो छोटा मोटा प्रॉब्लम है और आप लोग अगर नेक्स्ट ईयर एग्जाम दोगे तो नेक्स्ट ईयर तो हम जो बैच में स्टार्ट करेंगे तब एवरी चैप्टर विल बी कवर्ड ओनली सो जस्ट देख लो अभी क्या क्या बेसिक्स है तो ये था हमारा डेटा सफिशियंसी बेसिक लेवल सो so, आज हम लोग और भी बेसिक लेवल क्वेश्चन ही करेंगे आज जरूरत नहीं है ज्यादा हाई लेवल करने का आज जस्ट यू गो थ्रू द थिंग्स कैसे होता है ठीक है सो आज हम लोग ये सेकेंड वैरायटी है uh, ये वैरायटी आपने क्या है क्वांटिटी कंपैरिजन क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू दो क्वान्टिटी रहेगा वैल्यू निकलना है कंपेयर करना है ये वाला क्वेश्चन कीजिए

ऑप्शन बी क्वांटिटी टू बढ़ाए क्या एनी अदर आंसर देखो इसको थोड़ा सा अगर अंदर से सोच सकते जस्ट मिनट अगर एक आर्टिकल पंद्रह परसेंट प्रॉफिट में बिक रहा है पंद्रह परसेंट प्रॉफिट और एक आर्टिकल एट परसेंट लॉस में बिक रहा है तो सेलिंग प्राइस सेम है <laughs> ये तो कुछ करना ही नहीं था इसमें आपने, आपने सॉल्व किया है क्या इसको विश्वजीत और प्रियाक्षी आप लोगों ने सॉल्व किया है क्या सच बताओ ऑनेस्टली बताओ अगर सॉल्व किया है तो बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑब्वियसली हाँ, ना लॉस करके भी अगर सेम है तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर है इसमें सॉल्व करना ही नहीं था इसमें कुछ देखो ये वाला सेंटेंस ऐसे ही बेकार में दिया है ये फर्स्ट वाला ये तो बकवास है इसका कोई काम ही नहीं है सर्विस में ठीक है तो देखो इफ ई सेल्स फर्स्ट आर्टिकल एट फिफ्टीन परसेंट प्रॉफिट मतलब एक आर्टिकल है जो ये फर्स्ट आर्टिकल है इसको 15 परसेंट इंक्रीज करके बेचा प्रॉफिट मतलब क्या 15 परसेंट बढ़ा के बेचा ना तो ये कोई एस आया होगा और सेकेंड जो आर्टिकल है उसको 8 परसेंट कम करके बेचा फिर ये एस आया और ये दोनों सेम है ये दोनों सेलिंग प्राइस सेम है एक चीज को कम करके बेचना पड़ा और एक को बढ़ा के बेच के सेम आया मतलब जो चीज कम करके बेचा ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा ना इससे है ना ठीक है ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा होगा ना सेकेंड वाला ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि इसको कम करके तुम एक एक चीज पे लाया जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक वैल्यू है फर्स्ट सपोज 120 120 में आपने 20 पर uh, छोड़ो आप ले लो uh, 80 ले लो 80, हाँ 80 ले लो इसमें बड़ा हो हो तो तो होगा ना एट्टी से ठीक है वेरी गुड ये अगर आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है ना वेरी नाइस ऐसे ही करना है क्योंकि ये देखो टाइम पास है अगर आपको समझ में आ जाता है ये एक से एक दस सेकेंड मतलब एक से दस सेकंड के बीच में बन जाएगा ठीक है तो टाइम पास करने के लिए दिया लेकिन ये मेंस का क्वेश्चन है लेकिन ठीक है ये ऐसी झूठ नहीं बोल रहा हूँ ये सच में टू थाउजेंड ट्वेंटी मेन्स का पेपर है ठीक है तो ऐसा भी होता है चलो अभी नेक्स्ट ये वाला बोलो ऑप्शन ए ओके इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स आर 24 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस एंड सम इज 14 तो दोनों का सम तो 14 है और प्रोडक्ट जो है वो 24 टाइम्स है ऑफ द डिफरेंस सम ऑफ बोथ इंटीजर्स इज 14 ओके okay. मतलब ए प्लस बी दोनों का सम कितना है, 14 है. पता नहीं आप लोगों ने इसको कैसे किया मुझे तो सॉल्व तो करना पड़ेगा नहीं सॉल्व नहीं करके हो सकता है क्या प्रोडक्ट ऑफ टू इंटेजर्स ट्वेंटी फोर टाइम्स ऑफ द डिफरेंस मतलब प्रोडक्ट इज ट्वेंटी फोर टाइम्स ऑफ द डिफरेंस ओके सॉल्व कर, नहीं करने से होगा क्या अच्छा ऐसे कर लिया क्या एट और सिक्स कैसे कहने की सॉल्व सोल्व को सॉल्व न करी सॉल्व नहीं करके निकल दिया क्या आप लोगों ने ये सर चेक किया कि कौन सा कौन सा नंबर्स से डायरेक्टली फोर्टीन आ रहा है उसका डिफरेंस चेक करके और अच्छा वैसे किया क्या ओके ओके 14 और फोर है, चलो। कर, दिया, चलो। कर देना ठीक है आप लोग जैसा किया वो कोई बात सही ठीक है।, है दोनों नंबर फोर्टीन आना चाहिए और प्रोडक्ट ट्वेंटी फोर एट इंट एट माइनस सिक्स मतलब इन लोगों ने क्या किया एक, एक नंबर को अच्छा लेकिन अच्छा तो अभी ग्रेटर इंटीजर हाँ तो ए, एक एक नंबर एट आ जाएगा और एक नंबर सिक्स ऐसे चेक कर करके किया ठीक है तो वैल्यू ऑफ ग्रेटर इंटीजर ये आएगा एट और ट्वाइस द वैल्यू ऑफ स्मॉलर इंटीजर आएगा ट्वेल्व तो मतलब टू इज ग्रेटर देन वन तो ऑप्शन ए ठीक है सही है लेकिन अगर बड़ा नंबर आता है मैं सोच रहा था ऐसे इसको ऐसे कर सकते ए प्लस बी होल स्क्वायर अगर डाल दिया इसमें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा नहीं इसमें भी नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा इसमें कोई फायदा नहीं है तो नहीं होगा ए प्लस बी नहीं उसमें कोई फायदा नहीं है यही ठीक है कैसे कर सकते ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर ये तो माइनस कर दो ये आ ए बी ये आ जाएगा टू फिफ्टी सिक्स सॉरी सॉरी फोर्टीन स्क्वायर कितना होता है वन नाइनटी सिक्स और ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ट्वेंटी थोड़ो इसमें कोई फायदा नहीं है एक वैल्यू आ जाएगा और क्या यही ठीक है नंबर गैस करके करना ही ठीक है क्योंकि छोटा नंबर है अगर बड़ा नंबर आता है तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं ये वाला ये कर देना मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर अगर ट्राई करके देखते हैं तो ये फोर ए भी आता है तो ए प्लस भी होल स्क्वायर का वैल्यू ए प्लस बी पता है तो इसका होल स्क्वायर भी पता होगा ना वन नाइनटी सिक्स और ए माइनस बी होल स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर Divided by 24 का square means 576. So 196 minus this by 576 is equal to 4. सेवेंटी करके टू तो फोर ए बी करकेस्ट ही होगा छोड़ो यही ठीक है यही ठीक है अगर numbers imagine करके कर सके 14 किस किस नंबर से बनता है मतलब अलग अलग नंबर से भी बन जाएगा लेकिन देख लेना कि कौन सा इवेन मल्टीपल है जैसे ट्वेंटी फोर इवेन होता है ना तो मल्टीप्लीकेशन जो होगा मतलब जो, जो भी दो नंबर चूज करोगे ना उन वो दोनों नंबर इवेन होना पड़ेगा ठीक है दोनों नंबर इवेन होना पड़ेगा या फिर दोनों नंबर ऑड होना पड़ेगा वैसे कर करके एट और सिक्स कर सकते हैं सही है एट और सिक्स आ जाएगा एक वैल्यू आ जाएगा एट और एक वैल्यू आ जाएगा सिक्स तो एट प्लस सिक्स फोर्टीन और एट इंटू सिक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाइड बाई एट माइनस सिक्स तो ये भी मैच हो रहा है और ये भी मैच हो रहा है ठीक है चलो ठीक है ऐसे ऐसे करना नहीं बेटर है जितना एवॉइड कर सकते ये सब वही सबसे अच्छा है ठीक है ठीक है चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए आज आप लोग ये एक सेकेंड ना जस्ट यहाँ पे दो क्वेश्चन बचा है आज यही कीजिए अगर टाइम मिलता है मैं आपको और एक डाटा सफिशियंसी दिखाऊंगा आज इतना ही कीजिए बाकी हम लोग टफ क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास के लिए रख देंगे <laughs> <laughs> ये रेशियो में बनाना है इसको बस टोटल प्रॉफिट आफ्टर वन ईयर इज ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल दो बस हो जाएगा क्वेश्चन खत्म और कुछ नहीं है तीनों का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो निकाल दो ऑप्शन है ओके ये सब क्लास करते करते ना आपका कॉन्सेप्ट सब रिवाइज रिवाइज होते रहता है उसमें आपको बहुत बढ़िया चीज है नहीं तो हम लोग सब एरिथमेटिक भूल जाते हैं देखो ए बी एन सी एंडर्ड इन बिजनेस एंड इन्वेस्ट इन इन्वेस्ट सच देट इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज वन थर्ड ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाई दे मतलब ए ने अगर ए प्लस बी प्लस सी ने थ्री यूनिट्स किया है ना तो ए ने वन किया है इसका मतलब यह है कि ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो वन थर्ड है ना वन थर्ड ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट तो अगर तीनों ने मिलकर सी थ्री किया है तो ए ने वन किया है दैट इज द मीनिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू समस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड सी मतलब बी का जो है इन्वेस्टमेंट वो ए और सी का इन्वेस्टमेंट का सम के बराबर है ठीक है तो इसको क्या करेंगे देखो ये सब क्वेश्चन में क्या होता है आप तो जनरली वो कर सकते हैं कि मतलब एक मेथड इसका ये है कि ए प्लस बी प्लस सी यहां पर क्या लिखा है ए इज वन थर्ड मतलब ए का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इसका वन थर्ड होगा ये ऐसा करके लिख सकते हैं आप लोग ठीक है और और एक है तो यहाँ पे बी को रिप्लेस कर दो ए प्लस सी से ठीक है तो ए और सी का रिलेशन आ जाएगा ठीक है वैसे करके कर सकते हैं बट इट विल टेक टाइम इससे अच्छा क्या है एक सबसे बेस्ट वे क्या है आप खुद इमेजिन करके करो बेस्ट वे इज टू डू इट यूजिंग इमेजिनेशन सपोज मैंने ए प्लस बी प्लस सी को अगर मैंने थ्री पकड़ा तो ए का इन्वेस्टमेंट क्या होगा वन ठीक है और एक क्या बोला इन्वेस्टमेंट बी ए प्लस सी के इक्वल होना चाहिए तो ए अगर वन है तो ये बी टू तो नहीं हो सकता है ना बी 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 अगर वन होता है सपोज और ये सी वन होता है तब तो बी इक्वल टू ए प्लस सी नहीं हो रहा है ना तो आप एक काम करो इसको थ्री थ्री नहीं रख के थ्री का कोई मल्टी नेक्स्ट मल्टीपल में चेक कर लो जैसे कि सिक्स सिक्स में चेक करके देखो अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर होता है, तो ए कितना होगा ए होगा टू वन थर्ड होगा ना ए होगा टू तो ए तो हो गया टू ठीक है और बोला है, बी जो है ए और सी का सम होना चाहिए तो बी को आप थ्री ले लो और सी को वन ले लो हो गया खत्म है कि नहीं ए अगर टू होता है तो B A प्लस सी के सम का बराबर -बड़ हो गया टू प्लस वन देखो A टू हुआ और C वन हुआ तो टू प्लस वन थ्री होता है तो आपको तो रेशियो से ही मतलब है ना वैल्यू से आपको क्या मतलब है रेशियो ही मिलना चाहिए तो अभी रेशियो मिल गया ए बी सी का ठीक है तो प्रॉफिट जो होगा प्रॉफिट का जो रेशियो होगा प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी रेशियो प्रॉफिट ऑफ सी ये सिंपली इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा ना टू इज थ्री इज टू वन आपको क्या निकालना है टोटल प्रॉफिट अच्छा अच्छा फर्स्ट क्वांटिटी डिफरेंस बिटवीन बी सी टोटल प्रॉफिट दिया हुआ एट फोर्टी मीन्स का वैल्यू है एट फोर्टी तो डिफरेंस बिटवीन बी एन सी बी एन सी का जो डिफरेंस है वो कितना है तीन और एक में दो यूनिट तो छह यूनिट का थ्री फोर्टी है तो दो यूनिट का कितना होगा टू एट्टी होगा तो ये हो गया टू एट्टी और ये हो गया टू फोर्टी ये तो गिवेन है तो वन ऑब्वियसली टू से बड़ा है आया समझ में ये वाला मेथड समझ में आया कि नहीं बोलो इसे जल्दी जल्दी करने का प्रैक्टिस बनाइए जब रेशियो से आपको फर्क पड़ता है ना तो एक्चुअल नंबर से कोई मतलब नहीं है आप जैसे भी चाहे आप मैनिपुलेट करो बस एक ही चीज मेंटेन होना चाहिए कि ए जो है वो ए प्लस बी प्लस सी का जो सम है ना उसका हाफ होना चाहिए वो हो गया बाकी आप कोई भी नंबर डालो और एक सिचुएशन जो था कि बी जो है वो ए प्लस सी का सम के बराबर होना चाहिए ये दोनों मैच होना चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए और बाकी आप अपने हिसाब से वैल्यू डाल लो ठीक है क्लियर हुआ कि नहीं बोलो Everyone, तो एवरी वन प्लीजिल और प्रियाक्षी को छोड़ के अच्छा ये वाला मेथड समझ में आया कि नहीं वो बोलो आया ना बाकी लोगों को अगर आपने ऐसे ही किया है तो ठीक है लेकिन मुझे लगता है ये मेथड आपका मेथड से ज्यादा फास्ट है आपने इससे ज्यादा फर्स्ट किया देन इट्स वेरी गुड ठीक है आप कैसे भी रेशियो ले सकते हैं आपको सिर्फ रेशियो से ही मतलब है है ना आपका सिर्फ जो कंडीशन है वही सेटिस्फाई होना चाहिए तो मैंने पहले ए प्लस बी प्लस सी को थ्री लेके ए को वन लेके देखा लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं है ठीक है उसमें भी आप मैनिपुलेट कर सकते वन पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव लेके कर सकते हैं बट कंफ्यूजन होगा इसीलिए मैंने डायरेक्ट थ्री का नेक्स्ट मल्टीपल ले लिया सिक्स तो ज्यादा इजी हो गया ये वाला क्वेश्चन डू दिस क्वेश्चन फास्ट जल्दी जल्दी कर लो यार खत्म करते इसको ऑप्शन okay, ए 25 किलोमीटर पर आवर 10 एम 4 पीएम 40 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस ट्रेवल बाय कवर्ड बाय बी व्हेन ही क्रॉस्ड ए ओके माने किमान डिस्टेंस और पीछे तो मीट करेगा ये तो ये पूछा तो सिक्स आवर्स में वो कितना चला जाएगा 150 तो फिर एक साथ स्टार्ट करेगा ऑप्शन एके x मान लो कोई पॉइंट है a ने स्टार्ट किया पहले a उसका स्पीड था 25 किलोमीटर पर आवर ठीक है और कितना बजे स्टार्ट किया a ने 10 बजे ठीक है तो 10 बजे स्टार्ट किया और और b स्टार्ट कर रहा है 4 बजे तो 10 बजे से 4 बजे तक तो सिर्फ a ही भागेगा ना तो 4 बजे जब जब वेन इट विल बी 4 पीएम ना जब जब 4 बज जाएगा बी यहाँ पे रहेगा उसका स्पीड होगा फोर्टी किलोमीटर पर आवर बट ए यहाँ पे रहेगा तो ए का जो स्पीड होगा वो होगा ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर आवर और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा डिस्टेंस उतना ही होगा जितना ए सिक्स आवर्स में ट्रेवल कर लेगा ए जितना सिक्स आवर्स में ट्रेवल कर लेगा ए कितना करेगा सिक्स आवर्स में वन फिफ्टी तो वन फिफ्टी किलोमीटर दोनों के बीच में हो जाएगा डिस्टेंस ठीक है अभी तो बस कितना आ, आ, वो ट्रेवल करना है मतलब जब मीट हो जाएंगे दोनों तब बी कितना ट्रेवल कर लेगा वो पूछा है तो कितना टाइम टाइम में मीट होंगे इज इक्वल टू डिस्टेंस कुछ रिलेटिव स्पीड रिलेटिव स्पीड, डिलेटिव स्पीड अ, सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होगा तो टेन आवर्स के बाद तो टेन आवर्स में बी कितना करेगा टेन आवर्स में बी चार सो करेगा बी एक घंटा में चालीस करता है तो दस घंटा में चार सौ करेगा तो दोनों क्वांटिटी इक्वल हुआ है ना आया समझ में प्रियाक्षी विश्वजीत अभिषेक समझ में आया कि नहीं बोलो तो नहीं तो फिर रिपीट करना पड़ेगा आई बोल ठीक है थोड़ा सा केयरफुल रहना ये सब में छोटा मोटा गलती हो जाता है ठीक है क्योंकि दे, देखो वन फिफ्टी किलोमीटर तो ट्रेवल कर लेगा ना वो ए, ए जो है वो तो छह घंटा है ना दस बजे से चार बजे के बीच में सिक्स आवर्स है तो सो घंटा तो ही डेढ़ किलोमीटर तो ही अकबर ही जाओ नो तो जितिया तुम्हें मोशन एक लोग स्टार्ट करिएगा आपका डिस्टेंस रहेगा वन फिफ्टी तो डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगा ना तो फोर्टी माइनस ट्वेंटी फाइव इज फिफ्टीन तो टेन आवर्स इसका मतलब जब यहाँ से स्टार्ट होगा चार बजे ना ये कितना बजे स्टार्ट हुआ फोर पी एम तो 10 घंटा बाद मिलेगा मतलब 2 ए एम को मिलेगा 2 ए एम तो 10 घंटा में ये बी ने कितना किया आपको ये निकालना है तो बी दस घंटा में 40 करता है तो 10 घंटा में 400 करेगा ना तो मतलब ये भी 400 हंड्रेड ये भी 400 तो दोनों इक्वल हुआ ठीक है चलो चलो ठीक है आज रहने दो बाकी हम लोग थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है उसको बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में चलो थैंक यू एवरी फॉर लिसनिंग टू द क्लास And have a great weekend and good night.